ऑल राइट तो अगर आपने सीयूईटी एग्जाम के लिए डोमेन सब्जेक्ट्स में साइकोलॉजी को चूज किया है तो वीडियो आपके लिए ही है, इसको लास्ट तक जरूर देख लेना। आपकी साइकोलॉजी की सारी टेंशन यहां पर खत्म हो जाएगी क्योंकि हम इन सब चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस आपका क्या रहेगा, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कैसे इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा प्राइस पे कर सकते हैं, अगर आप 3,500 अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं खुद आपको लाइव यहां पर पढ़ा रहूंगा सीयूईटी डोमेन के लिए। ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं आपके सिलेबस की। ये आपका सिलेबस रहने वाला है, एनटीई का ऑफिशियल ये सिलेबस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 50 क्वेश्चन वो आपको देंगे, कंप्यूटर बेस्ड ये होता है टेस्ट है ना, ये तो आपको बेसिक पता ही होगा। और इन 50 में से आपने 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एमसीक्यू फॉर्म में। ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सारी हमें ऑलरेडी आती है, सीबीएसई बोर्ड का पार्ट था। यूनिट 5 में मोस्टली टॉपिक्स आपने ऑलरेडी करे हुए हैं, ये साइकोडायनेमिक थेरेपी और ये बायोमेडिकल थेरेपी ये न्यू है, ये हम करेंगे, ठीक है। मतलब ये नई चीज है अभी आपके, ये भी आपने अब करना है। एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन में पूरा का पूरा सोशल कॉग्निशन पार्ट आपने नहीं किया था तो ये सारा पार्ट अब यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। चैप्टर 7 में भी हमारी ग्रुप प्रोसेस आपने कर ली थी बट सोशल इन्फ्लुएंस पर बात नहीं करी थी, तो कंफॉर्मिटी, कॉम्प्लायंस, ओबीडियंस ये सारी चीजें यहाँ पर हमें दोबारा से डिस्कस करनी होंगी, ये आपके लिए एक नई चीज रहने वाली है। और पूरे का पूरा चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ये दोनों के दोनों चैप्टर्स ये भी आपने सीबीएसई में नहीं करे थे और ये भी इस बार आपको पढ़ने होंगे। तो ये तो बात हो गई आपके सिलेबस की। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दो तरीके के मेथड आपके पास है, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब हमारी यूट्यूब से, या फिर अगर आप पे कर सकते हैं ये छोटा सा अमाउंट तो फिर आपको क्या कुछ वहां पर मिलने वाला, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड के लिए सिंपल सी बात है कि प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना के रख दी है, सीयूईटी नाम से आप चैनल खोलेंगे तो सीयूईटी नाम से प्लेलिस्ट वहां पर आपको दिखेगी। ये वो प्लेलिस्ट है, इसके अंदर ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक सारे के सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पर हमने ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर भाई आप ये वाला मेथड में ही करते हैं ना कि आपने यूट्यूब से वीडियो देख ली, अब आप कहेंगे सर नोट्स कैसे ले, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कैसे करें, तो आपकी नोट्स और एमसीक्यूज के लिए हमारी वेबसाइट अगर आप ओपन करेंगे तो आपको टॉप पर ही चमकता हुआ एक कोर्स दिखेगा जिसके अंदर हमने नोट्स पीडीएफ और एमसीक्यूज की पीडीएफ आपके लिए डाल के रख दी है एक बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में। आपके नोट्स सारे के सारे और सारे के सारे एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको वहां पर हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका कि आपने YouTube से पढ़ लिया, नोट्स अगर आपको चाहिए, MCQs अगर आपको चाहिए तो आप वहां से जाके उसको परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेड मेथड की। ये जो पेड मेथड है ये एक्चुअली हमने अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए ही लॉन्च किया था। 3 अप्रैल से हमारी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। ये क्लासेस की जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3,500 रुपए है। 3 अप्रैल से स्टार्ट करके हमारे मई के फर्स्ट वीक तक हम अपनी क्लासेस को खत्म कर देंगे। इसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम सिलेबस तो कवर पूरा का पूरा करेंगे, रिलेटेड सिलेबस भी करेंगे जो मैंने आपको सारा कुछ दिखाया, और आपका पुराना सिलेबस जो था उसकी भी एक बार हम रिविजन करेंगे। मतलब सारा सारा सिलेबस आपका होगा, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पोर्शन का एनालिसिस मैं आपको करवाऊंगा, जो दो पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं 2022-2023 वाला, उन दोनों पेपर्स का हम एनालाइज करेंगे कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 3,499 में ही आपको मिल जाएंगी। तो जो भी आपको ठीक लगे आप बिल्कुल इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने एनरोल करना है तो टाइम ज्यादा नहीं है और 2-3 दिनों में हमारा बैच स्टार्ट ही होने वाला है, तो बिल्कुल आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए, अभी ही मैसेज करो और स्टार्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और घुसते हैं DU वगैरह जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने जाना है, ठीक है।